बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई काशिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर। और मैं घर से निकल आया हूँ, बाहर खड़ा हूँ दरवाजे पर, और ये खड़ी है मेरी बाइक, और मैं जा रहा हूँ शेखाबाद पर। और मैंने कैब भी कर ली है और ग्लासेस भी लगा ली है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए सफर है तकरीबन आध घंटे का, एहतियात जरूरी है। तो चलिए चलते हैं शेखाबाद पर, वहाँ पर होटल है, वहाँ पर मैं चाय भी पीऊँगा, तो आपको वहाँ पर भी लेकर जाऊँगा। चलिए चलते हैं। किलो असल, किलो आलू, किलो टमाटर, किलो भिंडियाँ, किलो करेले, किलो कद्दू, किलो ए हर शे डेज है किलो किलो। ये बाजार में है मेरा दोस्त, उसकी है सब्जी की दुकान शफीक मलिक, और यहाँ सलाम करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सलाम अगर ना किया जाए तो आगे जो भी काम होता है वो नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ सलाम कर लिया। अभी शफीक से दुआ लगवा ली है तो इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। ये जी डलवा लेते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल 100 दगत है भाई। पर ये मेरा दोस्त है हसन इकबाल, और इसके घर आया हुआ हूँ, चाय पी भी है, और अब यहाँ पर खाना भी खाना है, सोबत होती है यहाँ पर। तो सोबत का सीन तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी बहुत देर है, फिर यहाँ से निकलूँगा आपको सीन दिखाऊंगा। ग्रीनरी ये सामने, जमीन के सामने थोड़ी कैचरा दिखाई, तो अभी यहाँ से निकलूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा सीन, बहुत ही ग्रीनरी है वहाँ पर। के बाद शेखाबाद होटल पर जाना था, वहाँ चाय पीनी थी, लेकिन यहाँ पर पी ली चाय तो हो सकता है मैं वहाँ पर ना जा सकूँ। फिर चलते हैं, ऐसा खैर जो भी आगे आएगा मौका मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 2 बजे का, और मैंने नमाज भी पढ़नी है, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ तो आगे बहुत ही प्यारी खूबसूरत ग्रीनरी है, कोई फसल उगा हुआ है, नाम तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको वो मंजर दिखाता हूँ जो आँखों को ठंडक पहुँचाता है। ये है जी फसल, और मुझे तो ये लगती है भिंडी, भिंडी का फसल लगता है मुझे, और ये कितने इलाके तक फैला हुआ है ये देखें। ये गोदी भी कर रहे हैं यहाँ पर लोग, ये देखें ये फसल, मुझे तो लगता है कि ये भिंडी का फसल है। पूछ लेते हैं कैसा फसल है भाई, कैसा फसल है? तिल। अच्छा ये है तिल, तिलों का फसल है ये, और ये बहुत ज्यादा है, कितनी जमीन है वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये तिलों का फसल है, बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत ही, जहाँ आए तो आँखों को ठंडक पहुँचती है। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ, और नमाज का भी टाइम है तो नमाज पढ़ूंगा कहीं पर, धोती तो मैंने कर ली है, अब करते हैं चश्मा, नमाज अदा करते हैं ताकि ये जो नमाज वाला जो रहती है ना खफत, मुझे नमाज वाली नमाज रह ना जाए। तो ये है रास्ते में मस्जिद, और जहाँ मैं पढ़ लेता हूँ नमाज, वुज़ू करता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ यहाँ पर। वुज़ू कर लिया है मैंने, अभी नमाज अदा करते हैं। नमाज ली है पढ़ मैंने, तो मस्जिद का दरवाजा करते हैं बंद, और जाते हैं फिर अपनी बाइक पर। अब जाता हूँ मैं सीधा ईसा खैल, क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, और दोपहर के बिल्कुल 2 बजने वाले हैं। ये जी मैं आ गया हूँ, बिल्कुल ठंडी ठंडी छांव है, और जो ट्रक है के नीचे मैं खड़ा हूँ, और सामने चल रहा है फीटर, और ये जो है ट्यूबवेल चल रहा है, और इसका पाइप लगा हुआ है वहाँ पर पीछे मेरे, वहाँ पर जहाँ टैंकी खड़ी है, तो यहाँ से पी लेते हैं पानी।
जी लगा हुआ है ट्यूबवेल। सामने ये जो होटल है ना, यहाँ से मैंने पीनी थी चाय। चाय मैं ना पी सका क्योंकि यहाँ बहुत ही देर हो चुकी है, रोटी का टाइम है, तो मुझे जाना है घर। जल्दी जल्दी घर पहुँचना है, वहाँ जाकर मैं ही रोटी खाऊंगा। सफर हुआ एंड और मैं आ गया अपने घर। यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, ब्लॉग का एंड। तो इजाजत दें, गाँव में जा रखें, ढेर सारा प्यार। जानते हैं, अल्लाह हाफिज़।